विधानसभा मार्च में जिस ढंग से कल लाठी चार्ज हुई थी और बीजेपी के सांसद विधायक घायल हुए थे, उसके बाद देखिए बीजेपी में काफ़ी आक्रोश है। आज विधानसभा मानसून सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन बीजेपी के विधायक पोस्टर लेकर अलग अलग पहुंचे हैं, और क्योंकि ब्लैक डे मना रहे हैं आज, तो देखिए जो वरिष्ठ विधायक हैं प्रेम कुमार पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री शर्म करो, चार सीटेड उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, हत्यारी नीतीश सरकार आया है, जैसे पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं एक तरह से मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, कल की घटना का यह विरोध है। और क्या देखिए हाथ में ब्लैक पट्टी भी बांधे हैं, और जो तो ब्लैक डे मना रहे हैं, और सभी विधायक हाथ में काली पट्टी लगा के पहुँचे हैं। तो कल की घटना का यह विरोध प्रदर्शन है। विधानसभा की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है, लगातार हंगामेदार सत्र हो रहा है। तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग और शिक्षक मामले में जिस प्रकार से बीजेपी का रवैया रहा है आज, हालांकि अभी बाहर मौन प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन तय है कि अंदर में आक्रोश दिखेगा। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना। एकदम आंदोलन जारी रहेगा। आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे बिहार में, और कल पूरे बिहार में धरना देंगे। इसके आगे भी हम लोग विस्तृत रूप से जो 10 लाख सरकारी नौकरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा, इससे लड़ते रहेंगे। आज मिलेंगे और सरकार से रिपोर्ट मांगने का आग्रह करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कॉन्जिलेंस लीजिए। ये तो अपराध है, किसी के पैर में अपराधी को डंटा मारने का, मार नहीं सकती है बिहार की सरकार। हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे लाठी चला रही है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? लोकतंत्र की हत्या है। मीडिया साथियों से आग्रह करेंगे कि आपने जो मीडिया में दिखाया है उसको सिर्फ दिखाते रहिए। और इन लोगों ने क्या कहा, पोस्टमार्टम के पहले तय कर दिया कि ये इनको चोट लगी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अरे तो चोट, वो भजन कीर्तन करने आए थे क्या? वो विधानसभा मार्च में आए थे, और पुलिस ने जो गुंडागर्दी किया उसके खिलाफ आंदोलन में, और जब वो हॉस्पिटल गए हैं पूरा शरीर भींगा हुआ, आप देखिए, पता कीजिए, कई जो उनके साथ साथी गए थे जिन्होंने तारा नर्सिंग होम पहुंचाया, उनका पूरा शरीर भींगा हुआ था। लाठी चली तभी उसी भगदड़ में उनकी मृत्यु। पटना पुलिस पूरी तरह सरकार नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रही है। पुलिस कहाँ थी? पुलिस को लाठी चलाने का किसने अधिकार दिया है वो बताएं? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये हम लोग विशेष अधिकार लाएंगे। जो विधायकों पर जिनको पीटा गया वो विशेष अधिकार लाएंगे, और जो लोकसभा के सदस्य जिनको पीटा गया है उनको वो लोकसभा में विशेष अधिकार का प्रयोग करेंगे, और जो हमारे जो वर्कर जिनके ऊपर पिटाई हुई है हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। सरकार कर रही है कि शिक्षक थे ही नहीं, भारत में ला गए ये लोग थे। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोगों ने कब कहा कि शिक्षक थे? ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है भाई, ये शिक्षक का आंदोलन नहीं है। हम उनके समर्थन में थे, हम उनके सहयोग में आए थे, हमने शिक्षक को नहीं बुलाया है। कौन कहता है? हम दूसरे के बल पर राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पर तब तो इतने शिष्टाचार होकर काम कर रहे थे, और शिष्टाचार के साथ खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। हमने इसी के लिए चैलेंज किया, मैंने तो चैलेंज किया, एक वीडियो दिखाओ जिसमें हमारे एक भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई ढेला चला रहा हो, कोई लाठी चला रहा हो, एक नहीं दिखा पाए। सदन में क्या करेंगे सर? सदन में क्या करेंगे? सदन में देखेंगे।